फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के बारे में आज हम बात तो करेंगे क्योंकि इसके अंदर डाइवर्जेंस बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, नॉर्मली मैंने इस पर लाइन ड्रॉ करी हुई है। एंड गाइस देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन भी गई है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट को भी आपको देख कर चलना पड़ेगा। देखिए, मंडे के दिन आप इसके अंदर काफ़ी एक अच्छा मूव है। काफ़ी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 2415 तक आ चुका है, और आप इसमें भी फ्रेश एंट्री करके लेकर चल सकते हो। क्योंकि देखिए, एक स्ट्राइक रेजिस्टेंस लेवल हमें ये देखने को मिलता है 2509 का, दूसरा हमें देखने को मिलता है 2558 का, और तीसरा हमें देखने को मिलता है 2600 का। मतलब 2500 से 2600 तक आप इसका रेजिस्टेंस लेवल लेकर चल सकते हो। सपोर्ट लेवल का इजाफा रहेगा ये 2382 तक का, मतलब 2380 तक आप सपोर्ट लेवल लेकर चल सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं नीचे गिरा है। एंड अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता दूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं नियर अबाउट इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये 900 तक 1000 तक आया है, एक ये 1600 1500 तक आया है। ठीक है, ये तो हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। एंड अगर डे के चार्ट पे मैं आप लोगों को देख के बताऊँ, एनालाइज करके, तो आप देख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2600 2700 का हमारा इसका रेजिस्टेंस रहने वाला ही है। एंड सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को एक और बता देती हूँ, 1800 का, और एक हमारा होगा 2100। मतलब आप कह सकते हो कि इसका सपोर्ट लेवल जैसे ही आपका 2350 के लेवल को क्रॉस करता है, तो आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पर अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2415 पे देखने को मिल रहा है, एंड जैसे ये इस वाले अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब 2509 से ऊपर जाकर ट्रेड करता है, तो नो डाउट गाइज इसके अंदर दोबारा से अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एंड स्टॉक ऊपर 2627 तक के रेंज तक भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ये इस वाले लेवल को तोड़ देता है, जो एक ये लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है सपोर्ट का, जैसे कि आप देख रहे होगे, जो सबसे लास्ट वाला मैं देख रही हूँ 2780 का, या फिर इधर काफ़ी बार आ चुका है 2400 तक का। मतलब आप कह सकते हो 2400 के लेवल को अगर दोबारा से नीचे तोड़ता है, तो नो डाउट उसके अंदर बिकवाली देखने को मिल सकती है। दूसरा, इसकी जो दो कंपनियां हैं अडानी ग्रीन और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस एनर्जी सॉल्यूशंस, उन दोनों में से ही अबू धाबी ने अपने स्टेक वापस लेने की घोषणा बनाई है, जिसकी वजह से उन दोनों में गिरावट देखने को मिली है 2.5% की। तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी अडानी एंटरप्राइजेस में हमें देखने को मिले। बाकी गाइज, आप खुद से भी एक बार टेक्निकली व्यू के अकॉर्डिंग तो गाइज ट्रेंड में मतलब ट्रेंड में बाइंग बनी हुई है, RSI बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ पे भी अपनी नज़र बना कर चलें। एंड हाँ, एक मैं ये कह सकती हूँ कि मंडे को अगर आपको लगता है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो नो डाउट गाइज इसके अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी गाइज, कोई रिकमेंडेशन प्लस नहीं है, स्टडी करके करें, खुद से इन्वेस्ट करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो में।